सीज भी हुई है और रिलीज भी हुई आपका पिछली बार से ये केस चल रहा है, बिना रिकॉर्ड देख के बहस करने की आदत बंद कर दीजिए। इफ यू डू नॉट हैव फाइल दैट्स योर प्रॉब्लम नो जजमेंट में यू शुड हैव टेकन द रिकॉर्ड एंड सीन द फाइल। लास्ट टाइम भी इसी ग्राउंड पे जजमेंट हुआ था। कॉपी ऑफ द जजमेंट मेरे पास इट डजंट यू नो व्हेन अ पर्सन इज आर्ग्यूइंग द केस विदाउट वेरीफाइंग द रिकॉर्ड्स एंड मेकिंग अ स्टेटमेंट इन द कोर्ट इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन इफ एनी एरर इज मेड बाय द काउंसिल व्हिच इज नॉट टैलिंग विद द रिकॉर्ड। एटलीस्ट दिस इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू। यू जस्ट मैडम यू आर जस्ट मेकिंग अ स्टेटमेंट। व्हीकल सीज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इतना कहानी जो आप हमको सुना रहे हैं, तो व्हीकल रिलीज कैसे हुआ? मैडम आप एडवोकेट हैं, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, रिकॉर्ड इसलिए मंगाया जाता है, नहीं तो फिर रिकॉर्ड मंगा आप मत बोला करिए रिकॉर्ड मंगाने के लिए, बोला करिए बस हम दो ही जजमेंट से बहस करेंगे, आपको बाकी रिकॉर्ड से कोई लेना देना नहीं, राइट? रिकॉर्ड इसलिए नहीं आता है कि खाली कोर्ट बैठ के उसको पढ़े, रिकॉर्ड इसलिए आता है कि आप लोग भी बैठ के उसको पढ़े एंड मेक रिस्पॉन्सिबल सबमिशंस इन द कोर्ट। सो व्हाट काइंड ऑफ इंप्रेशन, व्हाट काइंड ऑफ इंप्रेशन, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, आई एम टेलिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, बट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग। इतना हेस्ट में रहने की जरूरत नहीं है मैडम, कम केस करिए लेकिन बढ़िया से। Wrong submission gives a very bad picture of the concerned counsel. Litigate का तो काम ही है झूठ बोलना, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलते। वो बोल सकता है झूठ, उसको फ्रीडम है झूठ बोलने का, राइट? काउंसिल नहीं बोल सकता। One more adjournment का क्या बात? अब सुन लिया, कोई adjournment का क्या बात? नहीं हम समझ रहे। ये देख रहे थे रशा, and this the argument was not denied by the trial court lordship, that यहाँ पे लिखा होता है lordships. नो व्हीकल वाज सीज्ड इन दिस केस नॉर एनी सीजर लिस्ट इज अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड लॉशिप, हम यहाँ से पढ़ रहे थे। एमवीआई रिपोर्ट ऑफ द ऑफेंडिंग व्हीकल इज ऑल्सो नॉट प्रूव्ड, देयर इज नो आयोटा ऑफ द एविडेंस। FBI report है, not proved है, लेकिन FBI report है। But your ship, it has been written and no vehicle was seized in this case, your ship. अगर व्हीकल सीज नहीं हुआ मैडम तो रिलीज कैसे हुआ? सीजर लिस्ट एज सच भले ना बना हो लेकिन सीज भी हुआ है, रिलीज हुआ है, इसका मतलब ही है कि सीजर लिस्ट बना हो। यस सर, ये वी डू नॉट नो योर शिप, ये सबमिशन ऐसा गलत लिखा होगा इन क्यून ऑर्डर में, ऐसा हुआ नहीं है योर शिप, इसीलिए कि सीजर के बारे में ऐसे गलत हो योर शिप, रिकॉर्ड से ही योर शिप देख के बहस कर रहे हो आउट ऑफ रिकॉर्ड। तो रिलीज कैसे हुआ मैडम? तो रिकॉर्ड मत मंगाया करिए अपना केस में। We will not call for the records. If you are not interested in reading the records, why should we call for the records? You'll only read the interview order. अब बस हम कह रहे थे मेरा intention ही तो wrong submission। हम आपके intention की बात नहीं कर रहे, हम आपके diligence की बात कर रहे। हम आपके intention की कहाँ बात कर रहे मैडम? I'm talking about your diligence. This is the least we can expect from an advocate. Then ज़रूरत से ज़्यादा busy रहने की ज़रूरत नहीं है। Bail नहीं बहस कर रहे हैं आप, revision बहस कर रहे हैं। Set aside करने के लिए reason देना पड़ता है। That is your problem. We can't do anything about it. You have been such a good counsel. थोड़ा सा diligence का कमी रहता है तो हम लोगों को तकलीफ होती है, you know. We are pained when you are not diligent. Only because of non-availability of files. No, how do you say non-availability of file? The file is very much there. Nobody can complain this कि file नहीं है यहाँ पर. All the court masters are instructed to make the file available to every counsel who asks for it.
हम लोग स्लिप देकर भी यहाँ पे मंगा के फाइल अवेलेबल कराते हैं। आप कैसे बोलते हैं कि फाइल अवेलेबल नहीं है? वही थोड़ा सा टाइम थोड़ा निकाला करिए केस के लिए। अगले के जेल जाने की बात है, एक दिन ज्यादा जेल घूम के आइए, कैसा होता पता चले। ऑफिस में इतना बड़ा फाइल और कोर्ट में सारा नोट डाउन नहीं हम तो अभी कोटी में देख रहे हैं, कितना टाइम लगा देखने में? ये बेल नहीं है, मास्टर स्ट्रोक दिए और बस निकाल दिए। बेल से हट के डिवीजन बहस करना थोड़ा मुश्किल काम है, और मेरे कोर्ट में तो बहुत ही बेल भी मुश्किल है। गलत सबमिशन तो मैं एक मिनट में पकड़ लेती हूँ। गलत है, इंटेंशनल नहीं है, इंटेंशनल नहीं है, आई एम नॉट इम्प्यूटिंग एनी इंटेंशन, लेकिन गलत तो है। गलती से भी गलत सबमिशन होता है। आई एम नॉट इम्प्यूटिंग एनी इंटेंशन टू यू, नॉट एट ऑल। I am just asking you to be more careful while arguing a revision application, right? अरे इसमें इतना, अरे रोने की कोई बात ही नहीं है इसमें। I have such high regard for you. You have always been a very good counsel. We have seen you throughout, and that is why I am telling you, थोड़ा सा record देखने में कोई बुराई नहीं। कब का केस है? 17 कितनी सजा है? 2 years यूरोशिप्स। एपिलेट कोर्ट ने कुछ रेमिशन दिया है? नहीं दिया, फॉर्म कर दिया है एज इट इज यूरोशिप्स। द रिपोर्ट ऑफ आरटीओ एग्जिबिट नहीं हुआ है क्या? द रिपोर्ट ऑफ आरटीओ हैज बीन कंसिडर्ड। द रिपोर्ट ऑफ आरटीओ वाज फाउंड इन द रिकॉर्ड। देयर आर फोर एग्जिबिट्स यहां पे देखिए, पेज नंबर 6 ट्रायल कोर्ट। इंडियन नंबर, जजेस नंबर सब तो दिया हुआ है ट्रायल कोर्ट के जज में, है ना? वो ड्राइवर की आइडेंटिटी पे रशोसन कह रहे थे कि वो, क्योंकि वो मारुति था और वो बोलेरो बता रहे थे, और वही मेन आइडेंटिटी बता रहे थे क्योंकि उनके मैटरनल ग्रैंडफादर के घर के पास थे, इसीलिए वो आइडेंटिफाई कर पाए, उनका कहना था। रशोसन गाड़ी भी रशोसन को गलत बता रहे थे, इसीलिए रशोसन उनकी रिकॉग्निशन पे रिलाई नहीं किया था। पहला जो इतनी बड़ी गाड़ी नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा, उसको गाड़ी के अंदर बैठे ड्राइवर को कैसे रुकना है इसके लिए, इस पर रिकॉग्निशन पे रिलाई नहीं किया।